सो हेलो जी, की हाल चाल सारयां नूं, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो जी आज है ट्यूसडे 5th of October और आज अपन निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड मैंने ऑर्गेनाइज करी और शायद से मुझे नहीं लगता ज़्यादा मेंबर्स आ पाएंगे। हाँ बट अपन 2-3 मेंबर्स हैं जो जाने वाले हैं। मैं हूँ, आशु है और 1-2 बंदे और हैं शायद से, जो भी होगा अभी जाके ही पता लग पाएगा। तो आज वैसे व्लॉग मैंने सोचा बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जिस अकॉर्डिंग मैंने चैनल डाला हुआ है उस अकॉर्डिंग तो मेरी वीडियोस आ नहीं रही हैं। तो स्टिल आज वो दिन आ चुका है जी, आज अपन जा रहे हैं अपनी हिमालयन पे जल्दी से। और यार आज मैं ना राइडिंग जैकेट नहीं पहन पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ राइडिंग जैकेट, दोनों मेरी गंदी पड़ी है। लास्ट टाइम मैंने मम्मा को बोला था कि इनको वॉश कर देना बट स्टिल वो भूल चुकी थी, तो कोई बात नहीं अभी आज के लिए मैनेज कर लेंगे। बट यार आगे मैनेज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जयपुर एक लॉन्ग राइड है और वहाँ मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वॉश करवा लूँगा या आज मैं ऊपर मम्मा को दे दूँगा वॉश करवाऊँ, क्योंकि यार जब 3-4 दिन में अपने को निकलना है जयपुर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अपने को नीड पड़ने वाली है। तो अभी देर नहीं करते और सीधा मिलते हैं आपको बाइक पर और यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज की राइड। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और अब अपन निकलने वाले हैं सीधा सारस की ओर। सारस पे मिलने वाले हैं अपने को आशु, तने और चिराग, और साथ में मिलेंगे अपने को एक और भाई अक्षय, जो मेरे जिममेट्स हैं सारे के सारे। और अभी भाई जो है सीन बहुत सही है, सुबह का मौसम जो हो रहा है वो बहुत शानदार है। बस कुछ दोस्तों ने मुझे दे दिया है धोखा, आयुष, अंकित और साथ में 2 इंडियन सिस्टर जो काफ़ी टाइम से मेरे को बोल रही थी मेगा कि मैं तेरे साथ राइड पे चलूँगी। सुबह में उसने मेरा फ़ोन उठाया और आधे घंटे बाद मैंने उसको फ़ोन किया तो भाई उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो ये बहुत गलत रहा उसका। बट मैं आगे से उसको कभी भी राइड के लिए नहीं फोर्स करूँगा, ना मैं उसको आगे से लेके जाऊँगा, क्योंकि इस बार उसने मुझे धोखा दे दिया है। अब मेरा भी मौका आएगा कि मैं उसको कभी धोखा दूँ। तो चलिए जी चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे सीधा सारस पर। तो ये लो जी, बात करते करते पहुँच चुके हैं अपन सीधा सारस, और सारस यहाँ से रह गया है सिर्फ 1 मिनट का रास्ता। और यहाँ अपने को मिलने वाले हैं आशु, तने और कुछ राइडर्स भी जो साथ में अपने आज राइड करने वाले हैं। तो राइड जो होगी वो होगी आज अपनी कोरई टोल प्लाजा तक की। अभी हो चुका है टाइम निकलने का और स्टैंडर्ड पर है अक्षय, इंटरसेप्टर पर है तने, थर्ड पर पैशन पर है अपना भाई चिराग और साथ में है अपने आशु इंटरसेप्टर पर। तो अभी यहाँ से निकला जाए बिना विदाउट एनी देरी और यहाँ से अपन सीधा निकलेंगे भाई कोरई टोल प्लाजा की तरफ। और मेरा तो टैंक फुल है और शायद से जो भी मेरे साथ के राइडर्स हैं तो वो टैंक रिफ्यूल करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ जो यूपी में मैंने आपको कई बार बताया है कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही सस्ता है अबाउट राजस्थान। तो अभी जा तो यूपी की तरफ ही रहे हैं, तो क्या पता रास्ते में कुछ ये राइडर्स जो है मेरे साथ वो रिफ्यूलिंग करवा लें। भाई लोगों आज की जो राइड है वो होने वाली है थोड़ी सी स्लो, लाइक 70-80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारे ग्रुप में चिराग फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है और इसके पास है पैशन प्रो जो 100cc है, तो वो बेचारा 80-90 से ज़्यादा चल नहीं सकता, तो मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। अक्षय उसी के साथ का फ्रेंड है जिस वो स्टैंडर्ड पर है, वो मैं और चिराग साथ में चलेंगे और शायद से हो सकता है आशु और तने की दोबारा से स्टार्ट हो जाए रेस। जी हाँ, जब ये दोनों हाईवे पर निकलते हैं खास करके राइट पर, तो दोनों भाई रोड पर ऐसे निकलते हैं जैसे सांप लहरा रहे हों। तो ये लो जी, बात करते करते पहुंच गए हैं भाई लोगों फतेहपुर सीकरी और चिराग पीछे में रुक गया है पेट्रोल डलवाने के लिए। आगे में आपको देखो एक गोल 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 सा कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो भाई ये एक पुराना प्राचीन में इसकी कहानी भी है इसके ऊपर बहुत अलग लेवल की, जो मैं कभी आपको पर्सनली इसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर जो भाई मोमडन का ही जो सारा कुछ होता है, आई मीन नमाज वगैरह यहाँ पढ़ी जाती है। ओहो ये गाय कहाँ से आ गई भाई रास्ते में, इनका पता नहीं लगता। राइट में आपको दिख रहा होगा भाई फतेहपुर सीकरी, जी हाँ वो है पूरा किला फतेहपुर सीकरी। और ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं मेरे गोल सा ग्रीन कलर का,
इसके बारे में आपको बताऊंगा कभी, ये प्राचीन में कुछ अच्छा हुआ करता था, आई मीन अभी भी अच्छा है। कुछ मोमडन्स लोग यहाँ पर आके अपनी नमाज पढ़ते हैं और अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप राइट होंगे तो आप पहुँच जाएंगे फतेहपुर की तरफ। ओहो, यहाँ खड़े हुए हैं आशु और साथ में तने वगैरह। तो ये लोग भाई लोगों को पता ही नहीं लगा बात करते करते कब कोरई टोल प्लाजा आ चुका है। और यहाँ अपन राइट में एक रुक के सुबह की चाय का आनंद लेंगे, मैं, आशु, तने और चिराग और अक्षय। तो यहाँ आप थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉय करेंगे, अपना जो राइडर्स ग्रुप है वो अपन एंजॉय करेंगे। सो भाई लोगों, फाइनली अभी अपन पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, जो अपन ने रखी थी भाई सारस से लेके कोरई टोल प्लाजा तक। और ये अबाउट बैठेगा भाई 30 किलोमीटर के, बस एक सुबह की मॉर्निंग राइड करने के लिए यार, यू नो, ज़रूरत सी थी। काफ़ी टाइम हो चुका था, बहुत टाइम से राइड नहीं करी थी, खास करके जब से अपनी भूसा गई है ना भाई जयपुर, तो तब से राइड करी ही नहीं थी। अभी आफ्टर सो लॉन्ग मतलब राइड वाइड का सीन बना, मैं, आशु, तने और साथ में आया भाई आकाश और चिराग। तो भाई ये बैठा हुआ है तने और ये बैठा हुआ भाई अपना आशु, अभी थोड़ा रील में लगा हुआ थी सेट करने के लिए। ये भाई है अपना रील मास्टर, मैंने आपको भी रस्ते में बता दिया था, एक बार इसकी जाके ना भाई प्रोफाइल विजिट कर लेना, बहुत सही सही रील बनाता है भाई ये, और एक बार जाके मस्त से विजिट कर लेना। आप फॉलो करो ना करो वो आपके ऊपर है, बट एक बार इसकी रील्स वगैरह देख लोगे ना तो खुद से फॉलो कर लोगे भाई। और भाई यहाँ सुबह सुबह मंगवा ली है चाय, फ्यूज चॉकलेट खिला दी थी सुबह आयशु ने, और यहाँ अभी आके ले रहे हैं चाय की डाइट एक सुबह सुबह भाई। साथ में कुछ ले लेते नहीं तो एसिडिटी वगैरह बन जाएगी। तो ब्रेकफास्ट का जो सीन है भाई, यहाँ तो बैठ नहीं रहा है, अभी जाएंगे फतेहपुर वाली साइड में, तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए सुबह सुबह में। आशु बोल रहा है पराठे, बाकी मेरा भी पराठे, और तने आप क्या खाना पसंद करोगे भाई? पराठे ही पसंद करेंगे सारे भाई लोग सुबह सुबह में, बट स्टिल अगर कुछ और अच्छा मिलता है तो वहीं जाके खाएंगे भाई। और चिराग का भी एक चैनल है भाई, चिराग व्लॉग, CHIRAGVLOGS। उसमें मोटो व्लॉगिंग्स भी है और रिव्यूज भी करता हूँ मैं बाइक से, फिर बाइक कार्स वगैरह का, तो मिक्स है दोनों। ओके, तो मोनेटाइज हो चुका है? हाँ, मोनेटाइज हो चुका है भैया। तो यहाँ हमें चाय के अलावा ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और अब अपन निकल रहे हैं फतेहपुर सीकरी की तरफ, और जो ब्रेकफास्ट है वो आज वहीं लेंगे। और मैंने अपना रेडी कर लिया है GoPro 360 थोड़ा कुछ रील्स वगैरह के लिए। अगर आपको मेरी रील्स और लाइव स्टोरीज वगैरह देखनी है तो प्लीज़ मेरे को फॉलो करो, एंड नीचे में इंस्टाग्राम ID आ रही है, तो प्लीज़ मस्त से फॉलो कर लेना मेरे अपडेट्स, मेरे जो भी आने वाले सारी रील्स वगैरह जो पोस्ट वगैरह होते हैं वो सब मैं इंस्टाग्राम पर ही अपडेट करता हूँ। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे फतेहपुर सीकरी पर। तो चलो जी, अब यहाँ से निकला जाए, और ये वही लोकेशन है जहाँ अपन लास्ट टाइम रुके थे, जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ के समोसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और भाई अभी मैं, अपन ने यहाँ से किया ब्रेकफास्ट कचौड़ी बेड़े और इन सब का, जो यहाँ का बहुत फेमस है, आई मीन मथुरा साइड और ये ब्रिजवासी साइड का जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि आज मैंने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी हुई है, क्योंकि सुबह में मैंने अपनी राइडिंग जैकेट चेक करी तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो अभी मैं उसको जाके करवाऊँगा वॉश, और करते हैं भाई इनको बाय बाय। यहाँ आप एक बार से प्लीज़ मस्ट ट्राई कर लेना, काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम मिलता है, इवनिंग में फ़ास्ट फूड काफ़ी अच्छा है। और मॉर्निंग का हमने आपको बता ही दिया है कि हमने अभी ब्रेकफास्ट किया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप फतेहपुर सीकरी की तरफ आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मस्त से ट्राई कर लेना। तो चलो जी, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ और मिलते हैं सीधा आपको घर पर। सो फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं घर पर, टाइम हो चुका है 9:30, राइड बहुत छोटी थी, बट जहाँ भी बैठ रहे थे भाई आराम से मस्त बातें बातें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा था राइड पे, कोई दिक्कत नहीं राइड पे, बहुत मज़ा आया। कांड हो गए दो रोड पे, पहला कांड ये हुआ भाई जहाँ अपन ने पहला स्टॉप लिया था, कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था तो दिक्कत हो गई एकदम, और मैंने बाइक का स्टैंड लगाया, बाइक का स्टैंड लगा नहीं था और वो बाइक गई थी गिर। और जब गिर रही थी तो मुझे लगा मैं अपर वाला स्टैंड पकड़ लूँगा, स्टैंड पकड़ने के चक्कर में भाई सीधा पकड़ लिया मैंने गरम गरम साइलेंसर। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर एक छोटा सा छाला हो गया है तीनों उंगलियों पर, तो भाई ये भी एक लेने के देने पड़ गया, पता नहीं, कोई बात नहीं।
इतना लोड नहीं लेना चाहिए, जो चलता है होने तो लाइफ में। एनीवेज दूसरा हुआ कांड ये कि तने को यार जो पैट्स वगैरह होते हैं कुछ भी मतलब जानवर वगैरह एनीथिंग उसको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो रोड पर यार एक टॉटॉइस था, टॉटॉइस मीन्स कछुआ, जो रेंग रहा था बेचारा, और उसके ऊपर से शायद से कोई गाड़ी चढ़ गई थी या क्या हुआ था। ज़्यादा बड़ा नहीं था भाई, बस इतना सा साइज था, मेरे हिसाब से शायद से 2 या 3 महीने का था, बट वो सेफ था, बच गया। बट तने को अंदर से लगा कि नहीं यार ये बहुत गलत हुआ, तो तने ने उसको पॉकेट में रख के वो घर ले गया उसको। तो तने उसको ले गया उसको घर पर, उसकी करेगा थोड़ी सेवा पानी, तो ठीक है भाई, अच्छा भी है, करनी भी चाहिए, वेरी गुड तने, रियली आई एम इम्प्रेसिंग ब्रो, ये बहुत अच्छा किया तूने उसको घर पर ले गया। बट भाई लोगों मुझे डर लगता है मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, सीरियसली मेरी हवा निकलती है, देखो यार बुरा मत मानना, बट स्टिल मेरे से नहीं किया जाता। एनीवेज और राइड काफ़ी अच्छी रही, चिराग बहुत अच्छा था, अक्षय भी अच्छा बंदा था, मतलब मस्त मज़े करे साथ में। तने और आशु तो भाई अपने पुराने राइड मेट्स हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, जिम मेट्स वगैरह कुछ भी कह सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आया आज की राइड, एंजॉय करी अपन ने, और अभी छोटे मोटे काम मेरे को बाकी हैं वो भी करना है, और इस व्लॉग को भी एडिट करना है, और कैसे भी आपको ये कल सुबह तक पहुंचाना है मेरे को। इस व्लॉग को करेंगे अब यहीं पर एंड, तब तक के लिए चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।